ओके, पिछले वीडियो में आपने इंट्रोडक्शन पढ़ा फ्यूल का, अब इसके आगे हमें पढ़ना है कैलोरीफिक वैल्यूज के बारे में। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल्स। कैलोरीफिक वैल्यूज फ्यूल्स की दो प्रकार की होती हैं, दो तरह की होती हैं, जीसीवी यानी कि ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू और एनसीवी यानी कि नेट कैलोरीफिक वैल्यू। जीसीवी क्या है? जीसीवी को हम एचसीवी यानी कि हाई कैलोरीफिक वैल्यू भी कहते हैं। एनसीवी को हम नेट कैलोरीफिक वैल्यू के अलावा लो कैलोरीफिक वैल्यू या एलसीवी भी कहते हैं। जीसीवी है टोटल अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड, द टोटल अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड व्हेन यूनिट मास ऑफ फ्यूल इज बर्न्ड कंप्लीटली एंड द प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन आर अलाउड टू कूल एट रूम टेम्परेचर और एट 15 डिग्री सेल्सियस। ध्यान से सुनिए, ये उस पूरी मात्रा हीट की है, ऊष्मा की है, जो प्रोड्यूस होती है जब यूनिट मास, यूनिट मतलब वन, यूनिट मास मतलब एक ग्राम या एक किलोग्राम या 1000 किलोग्राम ऑफ फ्यूल को आप बर्न करते हो, जलाते हो, और उससे जो ऊष्मा पैदा हो रही है और जो प्रोडक्ट्स पैदा हो रहे हैं बाय प्रोडक्ट्स कंबशन के बाद यानी जलने के बाद, आप उन्हें रूम टेम्परेचर पे रोक लेते हैं और ठंडा कर देते हैं। मतलब आप समझ लीजिए कि आपने एक इंसुलेटर या एक इंसुलेटेड वेसल या कंटेनर में फ्यूल को जलाया, उससे जो प्रोडक्ट्स पैदा हुए उसको उसी कंटेनर में ठंडा होने दिया और आपने उसे बाहर नहीं जाने दिया। मतलब उस प्रोडक्ट के साथ जो हीट निकली उसको आपने रोक लिया, कंजर्व कर लिया, बचा लिया, उसे आपने उड़ने नहीं दिया, एस्केप नहीं होने दिया। इसे हम जीसीवी यानी ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू या हाई कैलोरीफिक वैल्यू या टोटल कैलोरीफिक वैल्यू भी कहते हैं। इसी के ठीक विपरीत, ठीक उल्टा, एनसीवी या एलसीवी क्या है? नेट कैलोरीफिक वैल्यू। इट इज द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड व्हेन यूनिट मास ऑफ फ्यूल इज बर्न्ड कंप्लीटली एंड द प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन आर अलाउड टू एस्केप इन द एयर। बात को समझिए, एनसीवी वो ऊष्मा या हीट है जब आप एक ग्राम या एक किलोग्राम फ्यूल को जलाते हैं और उससे जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उसे आप हवा में उड़ जाने देते हैं। अगर वो प्रोडक्ट्स हवा में उड़ गए तो उनके साथ की हीट भी उड़ गई, तो जो हीट बची आपके पास उसके बाद, उसको हम नेट कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। तो दोनों के डेफिनेशन से ये बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है कि एनसीवी या नेट कैलोरीफिक वैल्यू को हम लो कैलोरीफिक वैल्यू और जीसीवी को हम हाई कैलोरीफिक वैल्यू क्यों कहते हैं। क्योंकि इसमें आपने प्रोडक्ट्स को कूल कर लिया, उसकी एनर्जी को बाहर नहीं जाने दिया, और इसमें आपने उसकी प्रोडक्ट्स को बाहर जाने दिया, अपनी हीट एनर्जी को साथ ले जाने दिया। तो एकेटीयू के एग्जाम्स में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है 2 मार्क्स में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जीसीवी एंड एनसीवी, या व्हाई द वैल्यू ऑफ एनसीवी इज लेस देन जीसीवी। मतलब एनसीवी की वैल्यू जीसीवी की वैल्यू से कम क्यों है। अब हम आते हैं जीसीवी और एनसीवी के रिलेशन या इनके फॉर्मूले पर। आपको इसकी डेरिवेशन की डिटेल्स में नहीं जाना है, फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे बाद में, इसलिए हम केवल फॉर्मूले पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। अब आपको हम एक बात बता दें, जनरली एनसीवी में जो प्रोडक्ट्स एस्केप हो जाते हैं यानी जो प्रोडक्ट्स हवा में उड़ जाते हैं, उसमें सबसे अधिक मात्रा मॉइस्चर या भाप की होती है, वेपर की या स्टीम की होती है। सबसे पहले जब बर्निंग होगी तो स्टीम यानी कि भाप उड़ेगा,
इसलिए यहाँ जो फॉर्मूला लिखा गया है इसमें हाइड्रोजन लिखा गया है, हाइड्रोजन आपको परसेंटेज में बताया जाएगा न्यूमेरिकल्स में, और 587 जो है ये है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन या लेटेंट हीट ऑफ स्टीम। 587 कैलोरीज पर ग्राम इज द लेटेंट हीट ऑफ स्टीम। यस, ये लेटेंट हीट ऑफ स्टीम है 587। हाइड्रोजन अक्सर क्वेश्चंस में परसेंटेज में दिया गया है, इसीलिए यहाँ जो आपको फॉर्मूला दिया गया है वो दिया गया है H अपॉन 100। H को परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कहा गया है और डायरेक्टली आपको यहाँ पर परसेंटेज की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना होगा। तो जो हमें ओवरऑल फॉर्मूला GCV और NCV के रिलेशन का मिला वो है NCV यानी कि नेट कैलोरीफिक वैल्यू इज इक्वल टू GCV माइनस 0.09 इनटू हाइड्रोजन व्हाटएवर अमाउंट विल बी प्रेजेंट इनटू 587 जो कि लेटेंट हीट ऑफ स्टीम है। इसके अलावा आपको HCV या GCV के लिए एक और फॉर्मूला न्यूमेरिकल्स में दिया गया है, ड्यूलॉन्ग्स फॉर्मूला। ड्यूलॉन्ग्स फॉर्मूला में परसेंटेज कार्बन, परसेंटेज हाइड्रोजन, परसेंटेज ऑक्सीजन, ये जीरो नहीं है, ये ऑक्सीजन की परसेंटेज है, प्लीज टेक इन योर माइंड, ये ऑक्सीजन है, इट इज नॉट जीरो। ऑक्सीजन एंड परसेंटेज सल्फर, इसका अमाउंट अगर मेंशन है तो हम इस्तेमाल करते हैं ड्यूलॉन्ग्स फॉर्मूले का टू कैलकुलेट GCV और HCV। इन दोनों के फॉर्मूले पर न्यूमेरिकल्स आपको आपके नोट्स में मिलेंगे। यूनिट हम NCV या GCV की वही लिखेंगे जो एक हीट एनर्जी की यूनिट होती है, कैलोरीज पर ग्राम और किलो कैलोरीज पर किलोग्राम। थैंक यू।